क्योंकि रुकावट कोई नहीं होनी, आवाज जमीन दे चप्पे चप्पे ते फैल जाएगी। जिधरों आवाज आई लोग तीर दी तरह सीधे उधर चल पैणगे। जिस वेले लोग सीधे चले ने ते अल्लाह पाक इरशाद फरमांदे ने वखशअतिल अस्वातु लिर्रहमान फला तस्मउ इल्ला हमसा। इना खौफ छाया होएगा, इनिया हौलनाकियां दो लोग डरदे होणगे, ऐसिया हौलनाकियां होणगियां कि कोई अपनी उच्ची आवाज नहीं कढेगा, सिर्फ आवाज आवेगी, पैरां दे चलन दी चाप दी आवाज आवेगी। इल्ला हमसा व खशअतिल अस्वात। जो कंजर खाने हाल वे सारा कर लिया ते धी नूं टुर लगे उत्ते कुरान रख दिता, मैं कुरान दे साए थले धी विद्या कीती है। इह ते तेरा कुरान नाल मजाक है, इह ते शरीयत दा तू ठट्ठा कर रहे शरीयत नाल। साया नहीं, साया पढ़न नाले अमल करन नाले साया। औलाद नूं पढ़ा, आमिल बना। अल्लाह अकबर। उते कुरान दियां सूरतां आ गई, ते कुरान कहिंदा मैं तुहानू कल्या नहीं करना, मैं नाल जाना है। अगे अगे कुरान, पिछे पिछे मेहमान, उते कुरान दा साहिबान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह सानू ऐसे टोले शामिल कर दे। वनुफिखा फिस्सूर फसअक मन फिस्समावाति व मन फिल अर्ज। इल्ला मन शा अल्लाह। जिस वक्त सूर दे अंदर फूके आ जाएगा, जो भी आसमाना ते जमीना दे अंदर मौजूद ने सारे मौत दी बेहोशी विच आ जाएंगे। इल्ला मन शा अल्लाह। सिर्फ ओ बचेगा जिन्हों अल्लाह पाक ने बचाना चाहा। सुम्मा नुफिखा फीहि उखरा। फिर दूसरी मर्तबा सूर अंदर फूकिया जाएगा। फइज़ा हुम कया मुय्यज़ुरून। सारे लोग अपनी अपनिया कब्रां दे विचों निकल खड़े होंगे। मुअज़्ज़ज़ समीईन हज़रात, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन, एक दिन मस्जिद नबवी दे शहर अंदर बैठ के कयामत दे आन दा तज़किरा कर रहे ने। रसूल करीम अली सलाम ऊपर बाला खाने दे ने। आपने ऊपरों झांकिया, ऐ मेरे सहाबा किस चीज का जिक्र कर रहे हो,
सहाबा इकराम ने अर्ज किया नस्कुर सा कयामत का जिक्र कर रहे हैं, कयामत का बर्पा होना आना। आपने फरमाया इन्नहा लन तकूम हत्ता तरौना कबलहा अशर आयात, क़यामत उस वक़्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक बड़ियां दस निशानियां जाहिर ना हो गई। छोटियां निशानियां कई जाहिर हो चुकी ने, कई जाहिर हो रही ने, कई होंगी, लेकिन बड़ियां दस निशानियां और पै दरपै हो गया। जो दस निशानियां चो एक निशानी भी जाहिर हो गई फिर दूसरिया यके बाद दीगरे, जब तक के जार नहीं कयामत बरपा नहीं होएगी। और दस निशानियां केड़ियां? तीन तेने बित तरतीब, जिन्हां दी तरतीब हदीस पाक चो मिलती है, लेकिन बाकी निशानियां दी तरतीब कोई दावा नहीं कर सकता, अंदाजा अपना अपना हो सकता है। जिन्हां दी तरतीब है कि सब तो पहले दज्जाल जाहिर होएगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होएगा, फिर याजूज माजूज एक कौम जार होएगी। इन्हां दी तरतीब है, बाकी निशानियां दी तरतीब नहीं। बाकी निशानियां चो तीन तेज कीतियां ने, तीन और तीन मुकाम ते जमीन थले धस जाएगी, मशरक मगरब जजीरा ए अरब, छे हो गई। सत्रवें नंबर ते दाबतुल अर्श, अजीब खिलकत एक जानवर पैदा होएगा, जमीन चो निकलेगा, लोगों नाल कलाम भी करेगा, अजीब खिलकत, यानी उस तो पहले उस शक्ल का कोई जानवर नहीं होएगा। अल्लाह अकबर। फिर एक अग निकलेगी जड़ी यमन चो निकलेगी, लोगों नू शाम वल लै जाएगी धकेल के, और पूरी जमीन ते धुएं का जाहिर होना, फिर सूरज का मशरक की बजाय मगरब तो तलू होना। ये निशानियां जो जाहिर हो गई फिर कयामत आ जाएगी, और कयामत आएगी किन्ना ते? नबी रहमत अलैहिस्सलाम दी हदीस समात फरमान, अल्लाह पाक दे सोने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने याखरो जुद्दज्जालु फी उम्मती फयंकुसु अरबईन। फरमाया दज्जाल निकलेगा, दज्जाल निकलेगा, खुरूज करेगा दज्जाल। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तिहाद दे नाल उम्मती दा ते नबी दे इतिहाद दा जमीन आसमान दा फर्क, कई
मसले नबी पाक इश्तेहाद ना दस दे। अगर अल्लाह पाक को वो मसला मंजूर हुंदा ते मेरा अल्लाह दी नफी नाजल ना कर दे। जे इश्तेहाद अल्लाह नू मंजूर ना हुंदा मेरा अल्लाह दी किसे ना किसे वही दी शक्ल दे अंदर, क्योंकि वही दिया कई किस्म ने। वही दी किसी किस्म दे जरिए ओदी इस्लाम नाजल कर देंदे। मेरे पैगंबर ने फरमाया सी शाम दे इलाके को दज्जाल जाहिर होएगा। फिर मेरे पैगंबर फरमांदे ने नहीं नहीं, मेरे पैगंबर फरमांदे ने खुरासान दे इलाके को दज्जाल दा खुरूज होएगा। इस इलाके चो निकलेगा, इस इलाके दे विचों निकलेगा। नबी पाक फरमांदे ने 40 दिन दुनिया ते रहेगा। 40 दिन हजरात तो 40 दिन कैसे ने? पहला दिन जड़ा होएगा पूरे साल दे बराबर होएगा, दूसरा दिन महीने दे बराबर होएगा, तीसरा दिन हफ्ते दे बराबर होएगा, बाकी आम दिनों दे बराबर दिन होंगे। इन 40 दिनों दे अंदर पूरी जमीन का चक्कर लगाएगा। सहाबा इकराम दे ईमान तो मैं कुर्बान जावा। सहाबा इकराम नो फिक्र कादी लाहे कोई। सहाबा कहंदे ने सोने पैगंबर जेड़ा दे एक साल दा दिन होएगा साडियां नमाज़ां दा की बनेगा। एक दिन साल दा दिन होना है, नमाज़ां दा की बनेगा? नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने इस तरह तुसी अंदाजे दे नाल पढ़ोगे टाइम दा अंदाजा लाके। फजर ते जोर दा इन्ना फराके, जोहर ते असर दा इन्ना फासला है, इहदे मुताबिक तुसी ने नमाज़ां अदा करोगे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने जदों दज्जाल जड़ दज्जा आखिरकार हजरत ईसा अली सलाम दा नज़ूल होएगा, हजरत ईसा पैगंबर इनू तलाश करके तेनू खत्म करनगे, इनू तलाश करके ते खत्म करनगे। फिर ओदे तो बाद 7 साल ऐसे आनगे जेड़ा के पूरी अल्लाह दी जमीन ते अमन फैल जाएगा। हत्ता के दो बंदियां दे दरमियान कोई बुगज ते अदावत नहीं रहेगा। सब परा परा ईसा अली सलाम आन के दुनिया ते ते कुरान और सुन्नत दा निजाम चलान गे। हदीसे पाक दे वाजे लफ्ज़ ने, कुराने पाक दे भी लफ्ज़ ने के लोगों को किताबो सुन्नत दी दावत देंगे, किताबो हिकमत दी दावत देंगे। हजरात हजरत ईसा पैगंबर आनगे, हजरत इमामे मादी भी मिलके हुकूमत करनगे। इन्होंने फिका हनफी, फिका मालकी, फिका शाफी नहीं, फिका जाफरी नहीं, बल्कि खालिस कुरान और सुन्नत दा निफाज होएगा। आप फरमांदे ने जिस तरह जमीन जुलम नाल भरी होएगी उस तरह उस तो भी ज्यादा जमीन नू अमन और सुकून नाल भर दिता जाएगा। 7 साल बड़े अच्छे गुजरनगे, 7 साल बड़े अच्छे गुजरनगे। हजरात फिर हजरत ईसा पैगंबर जिस वेले दुनिया तो तशरीफ ले जानगे, इमामे मादी भी चले जानगे, फिर मेरे पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने के अल्लाह रब्बुल आलमीन शाम दी तरफ एक हवा चलाएगा। शाम दी तरफ कैसी हवा चलेगी? हवा ठंडी बाद रवैतां दे विच आंदा है, मोमना जिस्मानू लगेगी जिमें को रेशम का टुकड़ा लग रहा है। इस तरह मोमना दे जिस्मानू छुएगी, मोमना दे जिस्मानू। मेरे पैगंबर इरशाद फरमांदे ने युरसिलुल्लाहु रीहन बारिदा मिन किबाली शाम फला यबका अला वजहिल अर्ज अहदुन फी कल्बिही मिस्कालु दर्रतिन मिन खैरिन औ इल्ला कबजत हो। मेरे पैगंबर इरशाद फरमांदे ने ए हवा चलेगी ते पूरी जमीन ते जेड़ा भी मोमिन बंदा होएगा, हत्ता के किसी दे दिल दे अंदर एक
राई दे दाने दे बराबर राई बरीक दाना, राई दे दाने दे बराबर अगर किसे दे दिल अंदर ईमान होया खैर होई ओदे तक भी हवा पहुंच जाएगी। हत्ता के मान वाला बंदा अगर किते जमीन दी तह ते होएगा, किसे बेसमेंट अंदर होएगा, किसे गार दी किसे पहाड़ दी गार या चोटी ते होएगा, हवा उथे भी पहुंच जाएगी। फरमाया जिमें जिमें हवा जिस्मानू लगती जाएगी मोमिन फौत हुंदे जाणगे, पूरी जमीन तो ईमान वाले खत्म हो जाएंगे। जिसके दिल अंदर जर्रा बराबर भी ईमान है वो भी फौत हो जाएगा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने हुण बाकी जड़े रह जाणगे, फरमाया फया बकाशरारुन नास, मेरे पैगंबर फरमांदे ने बाकी रह जाणगे लोकां तो बदतरीन लोक रह जाणगे, इन्हां ते कयामत कायम होएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने हत्ता के दुनिया ते सिर्फ लफ्ज़े अल्लाह के वाला भी दुनिया ते बाकी नहीं रहेगा। इशरार उन्नास लोकी रह जाएंगे जेड़े के कयामत तो बेखबर हो जाएंगे, लोकी अपने अपने कम्मा कारां दे अंदर मशरूफ होंगे। इधर मेरे पैगंबर इरशाद फरमांदे ने हजरत इशराफील फरिश्ता मिकाईल इशराफील जिब्राईल फरिश्तियां दे नाम, अलबत्ता इजराइल लोकां अपने कोलों बना लिया, ये किसी फरिश्ते का नाम नहीं, इजराइल किसी फरिश्ते का नाम नहीं। तफसीरां तुसर लिख छड़िया कि मौत जड़ा लैके आंदा है वह फरिश्ता इजराइल साढ़े च मशहूर हो गया, लेकिन शरीयत का नाम कोई नहीं। तो हजरत इशराफील फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका ते फरमाया सी, मैं किवें हसां ते किवें मुस्कुरावां के इशराफील ने सूर जड़ा आला है जी सुनन तिरमदी रवायत है के सूर एक आला है सिंग नुमा, जिस तरह जानवर दा सिंग है इस तरह दा एक आला है सूर। एक लफज है सुवर सीन नाल जिहड़ा असी पंजाबी वे खिमजीर नूं कहिंदे आ, इह स्वाद नाल है स्वाद वाओ रा सूर सूर आला। इस आले नूं हजरत इशराफील ने अपने मूंह दे अंदर डालिया होया ते कान अल्लाह दे हुक्म दे मुंतजर ने। अरसे दराज तो इशराफील ने सूर मूंह च रखे है, कान अल्लाह दे हुक्म दे मुंतजर, अल्लाह का आर्डर आ जाएगा कि इहदे अंदर फूक मार दे फूक मारेगा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने उहदे चों आस्ता आस्ता आवाज़ जिहड़ी है तेज़ हुंदी जाएगी, इन्नी आवाज़ तेज़ हुंदी जाएगी हत्ता के उस आवाज़ दे नाल लोकां दे कलेजे फट जाणगे, जिगर टुकड़े हो जाणगे। आवाज़ कोई भी चीज हो ना, ये तदाल दी राह दरमियानी खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतर काम वो ने जड़े दरमियाने लेवल दे हो दरमियाने दर्जे दे। साढ़े अक्सर जलसे होंदे ने मसाजिद अंदर बाल नाथा बाल खतीब भी खोल दियो आवाज, सारी को खोल दे और दो चार डक लिया, कोई तरीका नहीं अच्छा। तुहानू मालूम है कि कन्ना दे डॉक्टर नूं पुछ के वेखो तेज आवाज तुहानू नुकसान की देंदी है बुढ़ापे जाके, ये कोई तरीका नहीं साढ़े नाथ खां ते खतीबां दा जिहड़े आवाज दे इश्क दे आवाज दे यानी सुर ते टुरे फिरदे ने। ठीक है एक आला है आवाज अगे पहुंचा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आला अगे पहुंचा दे, लेकिन ओ तो एक साज बाजे का कम लेना।
अल्लाह अकबर। मैं तो इको दिन बड़ा खलम तो इन्होंने कहने बंद कर छोड़ो ना, ये साढ़े तो पहला बोल पैदी को कम अज कम बंदा किसी गल समझाए जो जलसे दरस और जुमे का मकसद होता है लोगों दीन समझाना। साड़िया रागिया तकरीर बतौरे चस्का सुनान वाले भी तो सुनने वाले की अक्सरीयत की हालत हो गई। डॉक्टर कन्ना वाले किसे पूछो ये तेज आवाज कितना नुकसान देती है तुहाडी समा आते है। तो ए वेखो आवाज कितनिया कौमां ने जिन्हां ते आवाज का अजाब आया, जलजला नहीं, पत्थर नहीं, आवाज आई चीख, चीख ना कौमां मर गई। इस वास्ते दीन सुनान ते सुन वास्ते पहलू दीन नू अपनाओ, सिर्फ इनू गाने की तरह अपने कन्ना का चस्का ना बनाओ। इन्हां गल्लां तो अक्सर समयईन ते अक्सर मौली मेरे खिलाफ ने। अल्लाह के बंदियों दीन नू दीन रखो, दीन नू दुनिया ना बनाओ। तो आइए जरा बात कर लगा वा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने आहिस्ता आहिस्ता वां तेज हुंदी जाएगी। इसे आवाज दे नाल फरमाया, इसे आवाज दे नाल वनु फिखा फि सूर फसाए का मन फि समावाती व मन फिल अर्ज इल्ला मन शाह अल्लाह। फरमाया इसे आवाज दे नालों की खत्म होंदे जाणगे, मरदे जाणगे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने सब तो पहला ये आवाज उस बंदे दे कन्ना वे पवेगी जेड़ा अपने ऊंटा दा हौ तैयार करदा होएगा। जू ही आवाज पहुंची ते मौत दी बेहोशी विच आया, फिर दूसरे लोग मरदे जाणगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने इसे आवाज ना लोग मर जाणगे इल्ला मन शा अल्लाह। सिर्फ वो बचणगे जिन्हां नूं अल्लाह ने बचाना चाहिया। वो किहड़े लोकी ने, कुछ फरिश्ते अल्लाह बचाएगा निजाम चलाम दे वास्ते। वो जिस वेले निजाम चला चला दे चला दिता जाएगा, एक वक्त आएगा कि उन्हां ते भी मौत आ जाएगी। हत्ता के मैदान माशर दे अंदर मौत नूं एक मेंढे की शक्ल वे लिया जाएगा, सारी दुनिया दे सामने लिया जाएगा। पूछा जाएगा दुनिया वाली जानते हो की है? हाँ जी जानते हैं मौत। सारी दुनिया पहचान लगी है मौत। मैदान में रख के सभा कर दिता जाएगा, बस आज तो बाद मौत का किस्सा खत्म। आज तो बाद किसी को मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक दे कुरान ने बयान कर दिता है, फरमाया सुम्मा नुफिखा फीहि उखरा, फिर दूजी मरतबा सूर दे अंदर फूकिया जाएगा। हुण इन्हां दोवां नफखिया, नफखा अरबी च कहिंदे ने फूक नूं, नफखा दुआ नफ़खियां दे दरमियान फर्क किन्ना होएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु दी रवायत सही बुखारी दे अंदर हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने के नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मा बैनन नफ़खतैन अरबऊन, दुआ नफ़खियां दे दरमियान फासला होएगा चालीस दा। सहाबा ने पुछया, साथियों ने पुछया, हजरत अबू हुरैरा दी चाली तो चाली साल है? फरमाया मैनू नहीं पता। हजरत जी दसो चाली तो मुरा चाली महीने वे? फरमाया मैनू नहीं पता। हजरत जी दसो चाली तो मुरा चाली देने? फरमाया मैनू नहीं पता। मैं जो नबी पाक तो सुने मैं मिलवा अन अगे पहुंचा दिता है। आज सहाबाई कराम दा खलूस जड़ा सब तो ज्यादा अल्लाह नू पसंद आया। सहाबा ने दीन दे अंदर अपने कोलों को पच्चर नहीं लाई जिन्ना अल्लाह तो दे नबी तो मिलिया। मिनवा अन उना अगे पहुंचा दिता। साढ़े दे बाद खतीबा नूं सुकून ही नहीं होंदा जब पच्चर पंज छत नाल जोड़ना लै।
सारे मसलकां दा इह हाल होया, तां ही ते फिरके बने। मिन वान अगर ओही कुरान दिस पहुंचाया जाए फिरके बढ़न क्यों। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम दी खूबी ये सी के ओ जिन्ना अल्लाह दे ओदे पैगंबर तो मिलदा उन्हां दीन अगे पुछांदे सा, अपने कोल बणांदे ने सा दीन, क्योंकि अल्लाह दे नदी सब तो बुरा बंदा ओ वेड़ा अपने कोल दीन बनाए अपने कोल। साढ़े च भी बड़े कईयां दी बड़ी कमजोरी है, जरा को कोई पोस्ट आई है मैसेज आया फटाफट असी फारवर्ड करने। जितना झूठा मैसेज बनाने वाला मुजरम है उतना तू फारवर्ड करने वाला मुजरम है। पहले उस पोस्ट नू मैसेज नू किसे आलिम नू पढ़ा तहकीक कर, यह हकीकत है। और जड़ा जी रमजान दी मुबारक सब तो पहला देवेगा दोजख दी आग हराम केड़ी है ते के हदीस है कुरान दी या हदीस है नबी पाक किथे वेखे किसे झूठे ने अपने कोले जोड़ लिया। तेनू दीन बना के पेश किया जा रहा है, मुबारक देन दे। अल्लाह अकबर। कोई भी मैसेज पोस्ट पहले उसकी तहकीक करो किसी मुहक्किक आलिम दे कोलो, फिर अगे फारवर्ड करो। हजरात बा लंबी ना हो जावे बा जो मैं अर्ज करना चाहना, अल्लाह पाक दे सुने में कुराने पाक ने बयान कर दिता है। दूसरा हो नफका होएगा ते दुआ दे दरमियान 40 दा फासला होएगा। हाँ अलबत्ता कुछ शारे ही ने सियाको सबाक तो अंदाजा लाया है, इन्हों 40 दिन तुमर 40 तुमर 40 दिन होंगे, लेकिन होंगे बड़े लंबे। जिमें मैं पहला हदीस पेश कर दी है नबी पाक दी, दज्जाल 40 दिन दुनिया ते रहेगा। पहला दिन साल दे बराबर होएगा, दूसरा महीने दे बराबर होएगा। ऐदे तो कईयां ने इस्तदलाल करके कह दिता होणगे 40 दिन, लेकिन होणगे बड़े सालां दे हिसाब दे नाल। इन्हां 40 दिनां दे अंदर पहली फूक तो बाद ते दूजी तो पहला दुनिया ते सारी मर गई। हुण होएगा कि इन्हां 40 इन्हां 40 दे अंदर अल्लाह अकबर, इन्हां 40 दे अंदर की होएगा। जरा तवज्जो फरमा दे ना आ जे, अल्लाह पाक ने कुराने पाक दे अंदर बयान कर दिता है। फरमाया मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, ताडे तो पुछदे ने भाइया सलूनका अनिल जिबाल, फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा। इन्हां 40 दिनां दे अंदर फरमाया तुहाडे तो पुछणगे लोकियां कि ऐ पहाड़ां दा की बनेगा। तुसां कह देना कि मेरा अल्लाह इन्हां पहाड़ां नूं पी के रेत बना के बखेर देवेगा। दूसरे मुकाम ते अल्लाह पाक इरशाद फरमा देने फाइदा नुफिका फि सूर नफखतम वाहिदा वहुमिला तिल अर्जो वल जिबालो फदक्कतल दा फदक्कता दक्कतल वाहिदा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा देने जमीन ते पहाड़ां नूं अपनी जगह तो हटा दिता जाएगा, हला दिता जाएगा। पहाड़ा नू पी के रेत बना के ते अल्लाह दी जमीन नू सारी नू बराबर कर दिता जाएगा। फरमाया ला तारो रब्बुल आलमीन फरमांदे ने फयादारुहा कौन सफ सफा, इस जमीन नू मैदान बना दिता जाएगा सफ सफा चट्टियल। ला तारा फीहा इवाजम वला अम्ता, अंता टिब्बे एवाजा टोए, ऐसा मैदान बनाया जाएगा पूरी जमीन
सारी जमीन ते अल्लाह पाक अपनी कुदरत दा बलडोजर ऐसा चलान गए, सारी जमीन नु बराबर कर दिता जाएगा, ना टोया ना टिब्बा है, कोई चीज नहीं रह गई, ना को दरखत ना शजर ना हजर ना को अलामे, किसे किस्म दा मकान ते दुकान नहीं, सारी दी सारी जमीन जड़ी है बराबर कर दिती जाएगी। जदो सारी जमीन कर दिती है बराबर, हुण ओदे तो बाद सुम युनज़िल फिर अल्लाह पाक बारिश बरसाएगा सारी जमीन ते, क्योंकि जमीन सारी हो गई है बराबर, उचीने भी होए इत्थे बारिश पई है, पानी इधर रह गया नहीं, बिल्कुल बैलेंस बराबर, इत्थे अगर छिट पई है तो जरा भी इधर उधर नहीं, इत्थे जज़ब हुई है। वजह अगे अल्लाह खेती दी लगे, नबी पाक खेती दी लगे ने मिसाल दे अल्लाह दी वही ना, जिमीदारा नू पता सब तो पहले पैलियां दे अंदर हल चलाई दा है, हल चला के जमीन नू पुट्टी दा नरम करी दा है, फिर ओदे तो बाद बीज दा छट्टा मारी दा, फिर ओदे ते सुहागा फेर दे दा, सारी जमीन बराबर हो जाए, फिर पानी लाई दा, पानी दी जिस वेले दाने नू बीज नू नमी पहुँच दिए ते बीज दे विचों दना अंगूरी निकल दिए, फिर जमीन अकर जमीन नू आके अंगूरी फाड़ के बाहर निकल दिए, बे एने ही एहो ही मिसाल है। देखो सब तो पहले अल्लाह पाक ने सूर दे अंदर आवाज आवाज इसराफील दी फूक मरवा के ते आवाज कड़ी, जिन्नी दुनिया है सारी मर गई, लाशां जमीन ते पईयां ने, हुण अल्लाह ने पहाड़ा नू पी के सारे टोए टिब्बे पूरे कर दिते ने, लाशां मिट्टी दे थले आ गईयां ने लाशां सारियां, हुण अल्लाह पाक ने सारी जमीन नू कर दिता सुहागा फेर के बराबर, अल्लाह ने बारिश बरसाई, पानी चल पानी बरसाया, पानी जमीन ने पीता, हुण अंदरों ओही लाशां पुरानियां नवियां हुण लगियां ने बीज दी तरह फुटन। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम दी हदीस सही बुखारी दी, अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने अल्लाह बारिशां बरसाएगा, जमीन धो के नरम कर दीती जाएगी, जमीन हो जाएगी नरम। हुण जिहड़े लोग सदियां तो हजारां सालां तो जमीन दे अंदर दफन ने, सारे जिस्म नूं मिट्टी खा जाएगी, अंबिया तो इलावा या उन्हां तो इलावा जिन्हां दे जिस्मां नूं अल्लाह बचाना चाहे, बाकी लोकां दे जिस्मां नूं मिट्टी खा जाएगी। आ जिहड़ी रीढ़ दी हड्डी है नीचे जिथे जाके खत्म हुंदी है, तो थोड़ा जिहा हिस्सा चिप इनू मिट्टी नहीं खाएगी, एक कयामत तक हड्डी का टुकड़ा सलामत रहेगा। और इस टुकड़े तो मेरा अल्लाह दोबारा लगा जिस्मां तैयार कर, जमीन दे थले थले मशीन रब की कुदरत दी आ गई है, लगे रे जिस्म तैयार हो, रूहां किथे गई ने। नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने जो कबर दे अंदर बंदे तो तिने हिसाब हो जा, तिने चारे सवाल किए जाते ने, जिन्हें जवाब देना दिता जिन्हें नहीं देना नहीं दिता, आखिरकार ओदे तो बाद इन्हां सारिआं नूं सुला दिता जाता है। मोमन की रूह जड़ी है ना समा तुल मोमिन तैरुन यअलुकु फी शजरिल जन्नति हत्ता यरजिउल्लाहु इला जसदै जन्नत दे अंदर। नबी पाक फरमांदे ने कियामत तक रहेगी जन्नत दे अंदर, मोमिन अल्लाह दे नबी सब तो वड्डे मोमिन, सहाबा उन्हां तो बाद मोमिन, ताबेईन उन्हां तो बाद, औलिया उन्हां तो बाद, सुलहा
औलिया अतकिया सारे मोमिन ने मोमना की रूह जिस वेले इन्हों कबर के अंदर दफन कर दिता जाता तो इन्ह दियां रूहां कित्थे जांदियां ने हत्ता यरजिअहुल्लाहु इला जसदिहि यौमल क़ियामा नसमतुल मोमिन तैरन यालुकु फी शजरिल जन्ना शोहदा लोग जड़े ने इन्हों दियां रूहां नूं जंती परिंदियां दे जिस्म दे दिते जांदे ने ए जंती जिस्मां दे पर जंती परिंदियां दे जिस्मां दे अंदर रूहां दाखल हुंदियां ने उह जन्नत दे अंदर खांदे ने पींदे ने जिन्नी देर रूह कल्ली रवे मुर्दा कहलाएगी जिस्म आ जाए जिंदगी कहलाएगी इसे वास्ते अल्लाह पाक ने शुहदा नूं कह दिता जिंदा इहदा मतलब ए नहीं कि दुनिया की जिंदगी जिंदा नहीं जन्नत अंदर हदीस में वजाहत आ गई शुहदा जन्नत अंदर खांदे ने पींदे ने आरजी जिस्म मिलिया परिंदे ते जड़ा शहीद नहीं तभी मौत फौत होए अंबिया सुलहा सहाबा अतकिया फरमाया इन्हां दियां रूहां जन्नत दे अंदर चलियां जांदियां ने जन्नत दे अंदर ही रहिंदियां ने जन्नत दे विचों बाहर नहीं निकलदियां जन्नत दे विचों बाहर नहीं निकलदियां हत्ता के क्यामत आएगी क्यामत नूं ए जिस्मां अपने अपने जिस्मां दे अंदर जाणगियां हज़रात ए मैंने कहिंदा अल्लाह पाक दे सोहणे महबूब पैगंबर दा फैसला जे आ जिहड़ा सानूं कई मरतबा भलेखा पै जांदा ते पा दित्ता जांदा है वेखो जी फलाने दे घर दे अंदर मैं आप वेखिया सबज चोला पाया सी सफेद लिबास पाया सी बुजुर्ग आए सन ते किसी बुजुर्ग दी रूह आई है मैं अल्लाह दे कर मिंबर ते खड़ा वा मैं अगर गलत बयानी करा मेरा अल्लाह मेनू जिंदा रहना मेरा अल्लाह मेनू इत्थे खत्म कर दे जो मैं किताब सुन्नत दे विचों पढ़िया है अल्लाह पाक दी कसम है अल्लाह दी कसम है किसे नबी वली बुजुर्ग दी रूह दुनिया ते नहीं जे आंदी नहीं जे आंदी सब दियां रूहां जन्नत अंदर ने जन्नत अंदर ते आ जड़े जार हुंदे ना शैतान ने जिन्नात ने तुहाडे ईमान ते अकीदे लुट्टण आंदे ने जेड़ा भी नबी वली बुजुर्ग कोई भी मौत दे दरवाजे चो गुजर के चला गया है ओदी दुनिया ते वापसी नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हुण रूहां ने जिथे जिथे अल्लाह ने टिकाने बनाए जन्नतां दे अंदर रूहां थे ते बुरियां लोकां दियां रूहां नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने जदों मोमन बंदे दी रूह जदों को मोमन बंदा फौत हुंदा है मोमना दी रूह अंदर जांदी है ते मोमना दियां रूहां पुछदियां ने फलाने दा की हाल है ठीक है फलाने दा की हाल है उह ते बड़ी देर हो गई है फौत हो गया अच्छा इत्थे ते नहीं आया उह चला गया अपनी मां हाविया च हाविया जहन्नम दा तबका है चला के अपनी मां हाविया च हजरात उन बुरे बंदे दा जिस्म ते कबर दे अंदर दफाने लेकर रूह दी चली गई है किथे हाविया दे अंदर मोमन बंदे दा जिस्म कबर दे अंदर दफने रूह चली गई है जन्नत दे अंदर मोमन दी रूह नू सुकून जन्नत विच जिस्म नू सुकून कबर विच मुजरम दे जिस्म नू अजाब कबर अंदर रूह नू अजाब जहन्नम दे तबके हाविया च अल्लाहु अकबर हुण कयामत दा दिन आ गया उठ पे सारे कयामत दे दिन उठे ने सारिआं नूं अल्लाह पाक उठान लगे ने किवें जरा बात ते तवज्जो फरमांदे नया जे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमांदे ने थुम्मा नुफिखा फीहि उखरा फाइज़ा हुम क़ियाम यन्ज़ुरून फरमाया हुण लोग
की कब्र दूसरी मरतबा इसराफील ने सूर के अंदर फूक दिता है। हुण फिर आवाज पैदा हो गई है, इस आवाज दे नाल लोग अपनी अपनी कब्र दे विचों निकलन गए। किवें निकलन गए? छाल मारी बाहर आ गए? नहीं। इस तरह लोग कब्रां दे विचों उगण गए जिस तरह जमीन चो खेतियां उगदियां ने। मैं पहले मिसाल दिती है ना, मैं नहीं मिसाल, नबी पाक ने मिसाल दिती है, मैं वो मिसाल की वजाहत कर रहा। जदों सुहागा मां बीज सुन के ते सुहागा मार के ते पानी दे दिता गया है, हुण बीज नरम होया ते ओदे चंगूरी आस्ता आस्ता निकल रही है, जमीन फाड़ के बाहर आंदी जा रही है। इसे तरह हुण साथ इसे तरह जदों इसराफील जिहड़ा ए सूर दे अंदर दोबारा फूकेगा, इस आवाज दे नाल जिथे जिथे रीढ़ दी हड्डी वो चिप पई है, उत्थे हुण अल्लाह जमीन दे थले थले अपनी कुदरत वाली मशीन नाल लगा जिसम तैयार करन टांचे। एक आया सी ना नबी अलैहिस्सलाम कोल मुर्दा दी हड्डी पकड़ के इंज हत्थां नाल धोरी जाए, क्योंकि मक्का मुकरमा वाले ये मनदे सन मरना है, कहिंदे सन मरन तो बाद उठना नहीं, ये नहीं सन मनदे। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने इस तरह हड्डी नूं पोरदा जांदा कहंदा मैयो हुई है इज़ाम वाहे यार मीम, आ हड्डी जिहड़ी हत्थां नाल पुरदी जांदी है भला इहनूं कौन जिंदा करेगा। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कुल युही हल्लजी अनशाहा अव्वल मर्रतिन, फरमाया इन्हां नूं कह दिओ इस हड्डी नूं दोबारा वो जिंदा करेगा जिन्हें नूं पहली मरतबा पैदा कीता सी। हुण ते दा फिर भी शक्ल शुक्ल मौजूद है, पहली मरतबा ते दा ढांचा भी नहीं सी। जेड़े रब ने पहली मरतबा पैदा कर लिया उत्ते दूजी मरतबा इनू बनाउन लग्या कोई मुश्किल नहीं। रब्बुल आलमीन दी कुदरत दी मशीन लगी है जमीन दे थले, हुण ढांचे तैयार होई जांदे ने, कब्रां दे अंदर ढांचे तैयार हुंदे जांदे ने। फरमाया फयम बतून कमायम बतुल बकलो, जिवें जिवें ढांचा तैयार हुंदा जांदा है जमीन चो निकलदा आ रहा है, जिवें खेतियां उगदियां ना आस्ता 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 आस्ता, इस तरह आहिस्ता 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 उगदा आएगा जिसम सारा उगाया। अजे सिर्फ जिसम उगे ने, कोई किसी नूं होश नहीं, सब सुते ने। अल्लाह की तरफों आवाज आ जाएगी जिन्हिया अरवा वो सारिया अपनी अपन जिस्मां दे विच चलिया जाओ, लो हुण आईया जे रूहां जन्नत दे विचों बाहर। फरमाया कानू या वैलना मम बासना मिम मरकदिना, अब सारे कहनगे सानू सत्या नूं किन्ने जगा दिता है, सारे जाग पैणगे, सारे जाग पे। जिसम उगाए सुते, कब्र वे हर कोई सुता है, सुते जिसम तैयार होके निकल आए, रूहां आ गई, जाग आ गई, वेख्या किथे आ गए असी, चारों तरफ चटियल मैदान है, कोई मकान नहीं, दुकान नहीं, साहिबान नहीं, शजर नहीं, अजर नहीं, टोया नहीं, टिब्बा नहीं, दरिया नहीं। अल्लाह का अनसफ सफा चटियल मैदान, चारों तरफ वेखणगे परेशान हो जाणगे किधर जाइए किधर जाइए। हुण मैदाने माशर चो आवाज आई ते मैदाने माशर किथे लखेगा, शाम दी सरजमीन ते मुस्तदरक के हाकम ते मुसनद अहमद दी सही हदीस, शाम दी सरजमीन ते
शाम की सरजमीन पे अल्लाह रोजे की हालत अंदर तू दुआवां रद्द नहीं करता। जेड़ी इस वक्त शामी फलस्तीनी मुसलमान जवाना ते बच्चों की हालत हो रही है, मेरे अल्लाह ऐसिया ऐसिया वीडियो आ रही ने देखद्या देखद्या हौसला नहीं पैंदा बंद कर दी दिया। अल्लाह अपने मजलूम बंदियां की मदद फरमा। या अल्लाह तेरे हाथ सारे इख्तियार ने, जिन्हें मुस्लिम ममालिक नहीं इन्हों दियां फौजां ते इन्हों दे हुक्मराना नू गैरत नसीब कर दे, किते जा के एक आवाज देन ते इसराइल की जुड़त की है किसे बच्चे वाल उंगल उठाए। गिनती दे लोग ऐसे ने अरबा खरबा ते गालब आ गए। साड़ी बेहिस्सी और इस्लामी गैरत ईमानी मर गई। अल्लाह अकबर। चलो अपने अपने तौर पर कोशिश करो इन्हों दिया प्रोडक्ट का बाइकाट करिया करो टका के, ताकि साड़ी कमाई साडे मुसलमान भरावां ते इस्तेमाल ना हो। हज़रात बातें गौर करते जाना बाह जड़ी कर लगा। अल्लाह पाक दे सोने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, हुण जिस्म आ गए ने बाहर ते लोकी जाग पे ने, हुण वेखदे ने किधर जाइए किधर जाइए, हालात की ने। रब रब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, युहशरुन नासु यौमल कियामत अला अर्ज़िन बैज़ा अफ़रा का कुर्साते नकिया लैसा फीहा अलमुन ले अहदिन। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा जदों लोकां नूं कबरां दे विचों कढ़िया जाएगा, फिर जमीन ऐसी होएगी धो के ते साफ कर दित्ती जाएगी जिवें छाणिया होए आटे दी रोटी हुंदी है सुरखी माए। पुरानियां गंदमां सुरखी मायल होया कर दियां सन। इस वास्ते असीं मिसाल देने ना फलाने दा रंग गंदमी, हुण ते कलर दा काफ़ी फर्क पै चुके है। उस वक्त अजे भी है लेकिन उस वक्त ज़्यादा सुरखी माल देसी गंदमां। तो बातरा तवज्जो फरमांदे नया जे नबी पाक इस्लाम फरमांदे ने, युहशरुन्नासु यौमल कियामति हुफातन उरातन हुर्ला कुल तो या रसूल अल्लाह अन्नसाउ वर्रिजालु जमीया यनज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़िर। मेरे पैगंबर फरमांदे ने कल कियामत जदों लोकी कबरां दे विच बाहर निकलेंगे ते पैरों तो नंगे ते बदन तो नंगे ते जिस्म तो नंगे ते सर तो नंगे होंगे। हजरत ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा जदों मेरे पैगंबर दा फरमान सुनदियां ने अर्ज करदियां ने, अल्लाह दे सोने पैगंबर क्या मर्द ते औरतां कट्ठे होंगे, मर्द भी नंगे ते औरतां भी नंगियां, यनज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़िर। मैं पहला भी अर्ज कर चुकिया वा बाई कराम दा खलूस अल्लाह नूं क्यों पसंद है। हजरत ऐशा ने जिस वेले सुनिया होर कोई फिकर अजे नहीं पिया, सब तो पहले फिकर पिया ते अपनी शर्मो हया दा पै गया है, क्योंकि शर्मो हया ईमान है। हुजूर सारे नंगे होणगे मर्द औरतां, हां फरमाया क्या मर्द ते औरतें दूजे दे वल देखणगे नहीं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, या आयशा तो ऐ मेरी आयशा, अल अमरु अशद्दु मिन अय्यन ज़ुरा बाज़ुहुम इला बाज़िर। फरमाया उस वेले इन्नी हौलना की होएगी, इन्ना खौफ छाया होएगा, हर किसे नू अपनी अपनी पै होएगी, किसे नू जुर्त नहीं होएगी किसे आंख उठा के देख लवे। सूरज कमील दे करीब आ गया।
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सूरज नु एक मील दे करीब कर दिता जाएगा। फरमाया लोकां दा लोक पसीने अंदर डुबे होणगे अपने अपने आमाल दे मुताबिक। किसे दा पसीना इथों चल के ते आए जिथे लगाम पैंदी इथों तक आ जाएगा, किसे दा कंधियां तक आ जाएगा, किसे दा कमर तक आ जाएगा, कईयां दा गोडियां तक आ जाएगा, कईयां दा घुटनियां तक, कईयां दा टखनियां तक आ जाएगा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने कई इस तरह पसीने में डूबे होंगे, चूंके थले जमीन तप गई है, सूरज एक मील दे करीब आ गया है। आज जेड़ा साढ़े तो करोड़ा मील दूर है ते गर्मियां विच एक दस मिनट साढ़े तो खड़ा नहीं होया जांदा नंगी पैरी, ते जदों एक मील ते आ गया जरा तसव्वुर विच ते लियाओ, एक मील ते करीब सूरज आ जाएगा, जमीन तप जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लोग सारे अपनी अपनी कब्रा चो निकल आए। 40 दिन बरसावे बारिश, अल्लाह कादिर साईं, सब जिमी ते पानी हो गए इको जे आखर हर थाई। अल्लाह अपनी कुदरत लगे ने बखान। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हर अपनी अपनी कब्रों हर कोई खेतियां वांगों बाहर आवे। और आ गए ने सारे, ते सारे नंगे ने बदन तो और पैरों तो नंगे, जमीन तपी सूरज करीब है, हुण परेशान ने किधर जाइए। ते मैदाने माशर दे विचो आवाज आ जाएगी, यौम इज़ी यत्तबिउन अद्दाइया ला इवजा लहु व खशअतिल असवातु लिर्रहमान फला तस्मउ इल्ला हमसा। मैदाने मासर दे विचों फरिश्ता खड़ा होके आवाज देवेगा, आ जाओ सारे अपने अल्लाह दे वल आ जाओ, चूंकि रुकावट कोई नहीं होनी, आवाज जमीन दे चप्पे चप्पे ते फैल जाएगी। जितरों आवाज आई लोग तीर दी तरह सीधे उधर चल पैंगे। जिस वेले लोग सीधे चले ने ते अल्लाह पाक इरशाद फरमांदे ने, वखशअतिल असवातु लिर्रहमान फला तस्मउ इल्ला हमसा। इना खो छाया होएगा, इनिया हौलनाकियां दो लोकी डरदे होणगे, ऐसिया हौलनाकियां होणगियां के कोई अपनी उच्ची आवाज नहीं कढेगा, सिर्फ आवाज आवाज आवेगी पैरां दे चलन दी चाप दी आवाज आवेगी। इल्ला हमसा व खशअतिल असवात, आवाजा पस्त हो गई, खौफ नाल आवाजा बंद हो गई। हुण सारे लगे ने लोकी अल्लाह दे दरबार वल चले ने, ते सारियां दा इक अंदाज नहीं होएगा। हुण गिरोवां दी शक्ल दे अंदर जाणगे, गिरोवां दी शक्ल दे अंदर। हुण बात ते गौर करना, कुरान पाक ने बयान फरमा दिता है, गिरोवां दी शक्ल दे अंदर किस तरह जाणगे, गिरोवां दी शक्ल दे अंदर। हदीसे पाक दे अंदर भी इहदी वजाहत आ गई है, गिरोवां दी शक्ल दे अंदर जाणगे अल्लाह दे दरबार दे वल किस तरह जानगे। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमांदे ने, एक ऐसा गिरो आएगा, वमन अअरज अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुंतु बशीरा।
रब्बुल आलमीन फरमांदे ने एक गिरोह ऐसा आ जाएगा कि जेड़े दुनिया ते मेरे जिक्र तो एराज कर दे। एराज कहंदे ने बेपरवाही करना, नमाज अल्लाह दा जिक्र बेपरवाही कीती, कुरान अल्लाह दा जिक्र बेपरवाही कीती। हजरात इस तरह जिक्र अजकार दीगर ये अल्लाह दे अजकार ने ना तो बेपरवाही कीती। फरमाया ए जेड़े बेपरवाही कर दे ने इन्हां नूं कयामत दे दिन अन्या करके उठाया जाएगा। लख हजारां मीलां दा लंबा सफर ओते सजाखे वास्ते बड़ा मुश्किल होना है। नबी ना की करेगा, चलो अल्लाह दे दरबार वाला। पैरां तो नंगे, सर तो नंगे ते बदन तो नंगे, सूरज कमील दे करीब है, तुर पे पता नहीं, चूंकि दिन 50,000 साल का दिन होना है, किन्ने हजारां सालों तो बाद जाके तरफ दे पहुंचणगे। मौत चूंकि आनी नहीं है। अल्लाह अकबर। दूसरा हुण गिरोह आया, सूरत बनी इसराइल है, छपारा 15वें। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमांदे ने अल्लाह पाक दा कुरान है, कुरान फरमाया नक्शुरुहुम यौमल कियामत अला वजूहिहिम उमियम वबुकमम मसुम्मा मावाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा। फरमाया कल कियामत दे दिन असीं इन्हां नूं मैदाने माशर दे अंदर इस तरह ले आवांगे कि इन्हां नूं ए अखां तो नबीने होणगे, कन्नां तो बहरे होणगे, जबान तो गूंगे होणगे, आला वजूहे खेमा इन्हां नूं इन्हां दे चेहरियां दे बल टोरिया जाएगा। उल्टियां कर दित्ता। शायद ओही लोग ने जिन्हां नूं दुनिया ते दीन तो उल्टियां चलन दा शौक हुंदा सी। शरीयत कहंदी है नमाज इंज पढ़ो, इन्हां कहंदे इंज पढ़नी है। शरीयत कहंदी है रोज़ा इस तरह रखो, नहीं इंज रखना है। शरीयत कहंदी है निकाह तलाक दा तरीका आवे, नहीं आ होना चाहिए। पुठियां चलन वाले हजरात अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्हां नूं पुठियां कर दिता जाएगा। लत्तां उपर हो गईयां ने, मूंछ नीचे हो गए ने। सही बुखारी विच आंदा है एक बंदा आया मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर, ऐ सुनदा ते सुन के कहिंदा सुने पैगंबर जी भला अल्लाह बंदे नूं मूंह दे बल किवें चला लेगा, किवें चला लेगा। ते नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने जेड़ा अल्लाह बंदे नू पैरां ते चला सकदा है ओ अल्लाह मुंह दे बल भी चला लवेगा। हुण तुसी अंदाजा लाओ, पैर दी जिलत सख्त हुंदी है ते मुंह दी ते जिलत ही बड़ी नरम है। पैर दी जिलत ने ओ तपश बर्दाश्त नहीं करनी ते मुंह दी जिलत किवें बर्दाश्त करेगी। चल इंज ही जाना ही, अखां तो नबीना, कन्ना तो बहरा, जबान तो गूंगा, उल्टियां कर दिता गया। एक नहीं है गिरोह है पूरा गिरोह। एक होर गिरोह आ गया, होर गिरोह आ गया, इन्हों भी अल्लाह दे दरबार वल टोरिया जा रहा है। हुण तीसरा गिरोह किहड़ा आया है, अल्लाह पाक फरमांदे ने कद खसर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ा इल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुम सा'अह बग़तन क़ालू या हसरतना अला मा फरतना फ़ीहा वहुम यक़मिलू औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम इल्ला अला सा मा यज़रून। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ऐसे लोग भी आनगे कि इन्हां दे गुनाहां दा बोझ इन्हां दियां पुश्तां ते लद दित्ता जाएगा।
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिस बंदे ने दुनिया ते एक बलिश किसे दी जमीन कब्जे विच कर लई दबा लई खा लई एक बलिश एक गिट सत जमीन दा तव यानी अन कह लो सत्ता जमीन दी एक गिट दे बराबर सारी मिट्टी कढ के जिन्ना बोझ बनेगा एदी धान ते पा दीती जाएगी ऐ दुनिया ते दबाई सही ना चल लेके चल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से बुखारी विच आंदा है एक दिन मेरे पैगंबर ने इस तरह आम ऐलान कीता कबीलियां दे नाम ला ला के बुलाया फरमाया सुनो मैं दुनिया ते अल्लाह दा पैगंबर हां तुहाडे तक मैं अल्लाह दे पैगाम पहुंचाए ने अगर कल के आमद दे तुहाडे चो किसे बंदे ने किसे बंदे दी गर्दन ते ऊंट चढ़िया होएगा किसे दी गर्दन ते गाय होएगी किसे दी गर्दन ते बकरियां किसे दी गर्दन ते कपड़े किसे दी गर्दन ते और सामान फरमाया तुसी ओ जड़ा सामान हिले के वादा देवेगा आओ चोर पकड़े आ चोर पकड़े आए फरमाया तुसी मैनु कहोगे के आगिसनी या रसूल अल्लाह ऐ रसूल तुसी मेरे गौश बनो मेरी फरियाद रसी करो फरमाया सुन लो मैं तुहाडी मदद नहीं कर सकांगा मैं तुहाडा गौश नहीं बन सकांगा मेरा नबी कह रहा मैं गौश नहीं बन सकांगा उम्मती केड़ा एडा गौश बन जावे फिर गौशे आदम लफ़ज़ अगर मैं आगे श्रीगार सुना दे ना वहां मैं तुहाडा मुजरम हूं ते सहूलत ही बड़ी है सॉफ्टवेयर मौजूद ने मोबाइल च नकदो नकदी हवाले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हजरते गिरो टुर पे ने ए वजन चुके जिन्ना जिन्ना माल चोरी कीता इस बदा वजन भी वधा दिता जाएगा दुनिया ते जिस किसे ने किसे दा मोबाइल चुराया किसे दी जुत्ती चुराई किसे दे कपड़े चुराए इन्हों का बोझ बना के उत्ते ला दिता जाएगा चल अल्लाह दे दरबार विच आ जो चुराया ही ना चुक लै ते टुर जिस बंदे च एक मन बोझ चुकन की ताकत ना होए उहदे ते 100 मन रख दिता जाए हालां 100 नहीं है तो मैं एक मामूली दसन दिया उहते हजारां लखां टनां दे हिसाब नाल वजन होना उत्थे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हुण एक टोला आ गया है होर भी इह जदों कबर चो निकलिया टोला खूबसूरत जवान इन्हों के सामने आया हल तारेफोनी मैनु भी जानते हो मैं कौन हाँ मैं नहीं जानता एक कहेगा अन साहेब कल कुरान मैं तुहाडा साथी कुरान हाँ दुनिया ते तुसी मैनू पढ़दे सो मेरा तर्जमा पढ़दे मेरा मफहूम समझदे मेरे ते अमल करदे मेरियां तिलावतां करदे ते दुनिया ते तुसा मेरा साथ ते बाया अज मैं तुहाडा दोस्त तुहाडे कोल आ गया वाह मेरे दोस्त वाह मेरे प्यारे ए सिर्फ कल्ले हाफिज़ वास्ते नहीं जेड़ा भी पढ़े भावें उत्तों वेख के पढ़े तर्जमा पढ़ के जो ये कहिंदा उत्ते अमल करे कुरान ते अमल करे अल्लाह अकबर। अच्छा बड़े सोहने मौके ते आ गए हो आ वेखो सूरज कमील ते आ गया है जमीन तपी है अल्लाह दे दरबार में जाने शाम च इना लम्मा सफर किवें करना गा परेशान ना होवो जी मैं कादे वास्ते आर्डर देवेगा मेरे पैगंबर फरमाते ने कुराने पाक दी सूरत बकरा ते सूरत आले इमरान बद्री दी तरह आ जाणगियां ते साया कर देणगियां ते जिथे कुरान साया करे थले गर्मी लग सकती है आ साया नहीं जिहड़ा अजकल लोकां बना लिया जो कंजर खाने हाल में सारा कर लिया ते धी नूं टुर लगे उत्ते कुरान रख दिता मैं कुरान दे साए थले धी विद्या कीती है ये तेरा कुरान नाल मजाक है ये ते शरीयत दा तू ठट्ठा कर रहे शरीयत नाल ए साया नहीं
साया पढ़न नाले अमल करन नाले साया औलाद नूं पढ़ा आमिल बना। अल्लाह अकबर। उते कुरान दियां सूरतां आ गईयां ते कुरान कहिंदा मैं तुहानूं कल्लियां नहीं कलना मैं नाल जाणा है। अगे अगे कुरान पिछे पिछे मेहमान उते कुरान दा साहिबान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह सानू ऐसे टोले शामिल कर दे ऐसे में शामिल कर दे। टुर पे हुण ए भी टोला टुर पे है। अल्लाह दे दरबार दे वे पहुंचिया ते जाके कहिंदा अल्लाह मैं तेरी कलाम आ। हां तू मेरी कलाम है हां तू मेरी सिफत है आ मैनू पढ़दा रहा इहनू बख्श दे जा मैं बख्श दिता ए ते राजी हो जा मैं राजी हो गया इहनू जन्नत दे दे मैं जन्नत दित्ती। कुरान अगे टुर पे है अपने साथी नू जन्नत में पहुंचा के ला मैं होर ले आवां। ए हुण सफर हो रहा है सफर अच्छियां दा सफर भी मंदियां दा सफर भी जिंदगी रही इंशाअल्लाह 23वीं रात नू मैं हाजिर होना। जे तुसी वादा करो 23वीं रात नू आ जाओ टाइम नाल हां जी ते इत्थों ही अगे गल चलानी है कि अजे होर भी गिरोह दसने ने जिन्हें जाने अल्लाह के दरबार च ते अल्लाह के दरबार में जाके फिर किवें किवें पेशी होनी है हिसाब किताब किवें होना है ते उस तो पहले एक अल्लाह का दबका बड़ा वजन है जिद्दर नबियां भी डोल जाने वो अल्लाह का दबका केड़ा होना है दोज़ख भी सामने लिया के खड़ी कर दी जानी है हाथ घड़ियां लैके फरिश्तियां भी आ जाने वो सारा मंजर इंशाअल्लाह 23वीं रात नूं इसे मस्जिद के अंदर अर्ज करांगा कोशिश करांगा कि नमाज तरावी तो पहला बयान मैं ही करा। नमाज तरावी तो बाद ही कह रहे नमाज तरावी तो बाद पहला बयान मैं ही करा ते तुसी दा तरावी इत्थे आके पढ़नी है क्याम इत्थे करने इंशाअल्लाह बाकी बयान होएगा। अल्लाह मेरा तुहाडा हामी नासिर होए रब्बुल आलमीन मेरी तुहाडी आखरत बेहतर बना दे। अल्लाह साडियां कमियां कमजोरियां माफ़ कर दे। अल्लाह रहमान साडे भाई मियाँ मुहम्मद इमरान साहब और उलमा दे मुहिब हाजी मुहम्मद राशिद साहब इन्हां दियां मेहनतां इखलास अपनी बारगाह कबूल फरमाए। इस अपने घर नूं एक बड़ा अजीम मरकज इन्हां दी जिंदगी अंदर बनाए जिथे कुरान दे हाफिज और दीन दे आलिम ते खतीब इत्थों पैदा होण। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।